अफगानिस्तान के खिलाफ आया रोहित रिंकू का तूफान, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। रिंकू और रोहित ने जड़ दिया दोहरा शतक, देखकर अफगानिस्तान के गेंदबाज गए हिल। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे कि किस तरीके से अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने जड़ा दोहरा शतक, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया ऐसा कहर कि अफगानिस्तान के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज इनके सामने पानी भरते हुए नजर आए। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया विराट कोहली, रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की, जहां पर हर किसी को ऐसा लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर खेल रहे हो। रोहित शर्मा और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर आप भी एक बार चौंक जाएंगे और आप भी इन्हें दिल से सलाम करेंगे। आप सभी को लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने जा रहे हैं। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से अफगानिस्तान के गेंदबाजों को इस कदर धोया है कि अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी लाइव अपनी याद रखेंगे। आप सभी को बता दें कि भारत वर्सेज अफगानिस्तान के बीच पहला T20 का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने की, जहां पर उन्होंने अपना अपना दोहरा शतक जड़ दिया सिर्फ 20 ओवरों के अंदर। ऐसी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और इतिहास का 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद यहां पर अपना नाम जो है सबसे ऊपर कर लिया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने जब दोहरा शतक जड़ते देखा सिर्फ 20 ओवरों के भीतर, तो इनको सलाम ठोका। जहां आप सभी को बता दूं कि युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ा रोहित शर्मा ने आज। युवराज सिंह की तरह 6 छक्के लगा दिए 6 गेंदों पर, जहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाज हिल गए और बल्लेबाज भी कांप उठे। आप सभी को पूरा का पूरा लाइव रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे किस तरीके से रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाया है। तो प्लीज अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। भारत वर्सेज अफगानिस्तान के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी का न्योता अफगानिस्तान की टीम को दिया। अफगानिस्तान के घातक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। हमारी तरफ से घातक विस्फोटक गेंदबाज पहला ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह ने, जहां पर सिर्फ 4 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए जहां पर आवेश खान, जहां पर उन्होंने 2 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए कुलदीप यादव, जहां पर उन्होंने 6 रन दिए, लेकिन यहां पर विकेट कोई भी हासिल नहीं हुआ 3 ओवरों में। लेकिन ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से अफगानिस्तान वाले बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर खूब कहर बरसा रहे थे। लेकिन फिर आवेश खान लेकर के गए हर्षदीप सिंह और कुलदीप यादव ने एक एक विकेट चटका दिया अपने 3 ओवरों में, जहां पर 6 ओवरों में अफगानिस्तान के 3 विकेट चले गए और उनको एकदम से बड़ा झटका लग गया। आप सभी को बता दें कि यहां पर अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर टिके रहे और घातक विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, जो हटने का मैदान से नाम नहीं ले रहे थे। वो बल्लेबाज अपनी अपनी अर्धशतक की और शतक की पारी खेल गए। आप सभी को बता दें कि हर्षदीप सिंह ने कातिलाना विस्फोटक गेंदबाजी से खूब कहर बरसाया और उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिर कुलदीप यादव ने भी कातिलाना विस्फोटक गेंदबाजी की वर्ल्ड कप की तरह और उनकी जोड़ी को भी तोड़ डाला। लेकिन अफगानिस्तान के बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर टिके रहे और घातक विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर आवेश खान के 1 ओवर में 6 रन दिए और यहां पर कुलदीप यादव के 1 ओवर में 8 रन बनाए, यहां पर हर्षदीप सिंह के 1 ओवर में 12 रन ठोक डाले, जहां पर वो बल्लेबाज काफी बेहतरीन तरीके से तबाही मचा रहे थे। लेकिन उनकी भी जोड़ी को तोड़ डाला यहां पर हर्षदीप सिंह ने। हर्षदीप सिंह, कुलदीप यादव, आवेश खान ने मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की तरह गेंदबाजी कराई, जहां पर पूरी की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। लेकिन उन बल्लेबाजों ने काफी खतरनाक विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को काफी बड़ा लक्ष्य दे दिया। जी हां, 20 ओवरों के अंदर काफी बड़ा लक्ष्य देने के बाद भारतीय टीम को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो भी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतर पड़े। अफगानिस्तान के जहां पर कप्तान काफी ज्यादा खुश हुए इतना रन ठोककर, और बल्लेबाज भी उनके काफी ज्यादा खुश हुए और एक दूसरे के गले लगने लगे। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि भारतीय टीम के बल्लेबाज, घातक विस्फोटक बल्लेबाज, अकेला इतना रन ठोक सकता है। शायद उनको यह पता नहीं था, तो उनको बताने के लिए मैदान पर सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आए। हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल काफी घातक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। आप सभी को बता दें कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा मैदान पर आए, सबसे पहले ओवर लेकर के अफगानिस्तान के घातक विस्फोटक गेंदबाज आए, जहां पर उनके पहले ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने तगड़ा शॉट कर एक सिक्स ठोक दिया, जहां पर अपने आने का आगाज कर दिया। रोहित शर्मा का पहले ओवर की पहली गेंद पर छक्का देख सभी कांप उठे और समझ गए कि वर्ल्ड कप की हार का बदला यहां पर भी रोहित लेकर के ही जाएगा। आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू किया और अफगानिस्तान के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो गेंदबाज आ रहा था वो पिटकर जा रहा था। आप सभी को बता दें कि यहां पर पहले ओवर में 21 रन ठोक दिए रोहित शर्मा ने। दूसरे ओवर में जो स्ट्राइक यहां पर यशस्वी जायसवाल के पास आई, तो यशस्वी जायसवाल ने भी 18 रन बना दिए। आप सभी को बता दें कि दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों पर काफी ज्यादा कहर बरसा रहे थे। अफगानिस्तान के गेंदबाज रिंकू सिंह, यानी कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के आगे पानी भरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। जी हां, मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा यशस्वी जायसवाल के नाम पर, जहां पर भारतीय टीम के यशस्वी जायसवाल घातक विस्फोटक बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे थे ताबड़तोड़ तरीके से, जो 39 रन बन भी बना चुके थे, 39 बना के 7 ओवर में 4th बॉल पर वो कैच आउट हो बैठे।
एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में। यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए तो मैदान पर सनसनी सी मच गई और यहाँ पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज सुमन गिल आए रोहित शर्मा का साथ देने के लिए। सुमन गिल काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज है। जैसे ही मैदान पर आए रोहित शर्मा का साथ देने के लिए ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करने लगे और उन्होंने भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानिस्तान के गेंदबाजों को धोने में। आप लोग खुद लाइव प्रूफ देखिएगा, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे, अगर आप लोग अभी वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, आपको खुद लाइव प्रूफ हाईलाइट मुकाबला दिखाएंगे रोहित शर्मा और रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी का। सुमन गिल ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर खूब कैर बरसा रहे थे, जिसको विराट कोहली भी काफी ज्यादा गहराई से देख रहे थे कि आखिरकार सुमन गिल आज क्या कर रहा है। सुमन गिल भी 41 रन बना करके पवेलियन का रास्ता देख गए। तो यहाँ पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले, इंडिया टीम का दिल कहे जाने वाले, जो कहीं भी खेलता है रन जरूर ठोक कर आता है, जिसका नाम ही विराट है। आप सभी को बता दूं कि विराट कोहली रोहित शर्मा का साथ देने के लिए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। लेकिन एक तरफ यहाँ पर रोहित शर्मा जो है वो 120 रन ठोक चुके थे जब यहाँ पर यशस्वी जायसवाल सुमन गिल आउट हुए थे। यानी कि अब जब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए विराट कोहली आए जब 12वें ओवर में, तो ताबड़तोड़ तरीके से विस्फोटक तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी दोनों व्यक्ति करने लगे, जहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ने लगे। अब अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कप्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कैसे हो गया, अब रोहित विराट की जोड़ी को कैसे तोड़ा जाए, जहां पर रोहित विराट इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ रहे थे। अफगानिस्तान का घातक से घातक विस्फोटक से विस्फोटक गेंदबाज जो भी मैदान पर आ रहा था वो हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली के हाथों पिट रहा था। रोहित शर्मा और विराट कोहली इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से यहाँ पर, मैं आप सभी को बता दूं कि बल्लेबाजी कर रहे थे कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा रहे थे। अफगानिस्तान के गेंदबाज जब 14वां ओवर लेकर के मैदान पर आए तो विराट कोहली ने 14वें ओवर में 18 रन ठोक डाले। जब यहाँ पर 15वां ओवर लेकर के आए तो यहाँ पर हिटमैन रोहित शर्मा ने 15वें ओवर में 21 रन फिर ठोक डाले, जहाँ पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन भारतीय टीम को लक्ष्य भी काफी बड़ा तय करना था, लेकिन यहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया विराट कोहली के रूप में। जी हां, विराट कोहली एक ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी सी मच गई। आप सभी को बता दें कि विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज जब आउट हुए तो अफगानिस्तान के गेंदबाज बल्लेबाज और ज्यादातर विकेट कीपर काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब तो भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि रिंकू सिंह जैसी आंधी अभी मैदान में आने को बाकी है। आप सभी को बता दें कि जब विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल सुमन गिल आउट हो गए तो यहाँ पर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज एक ऐसा शेर बचा जो अकेले ही सब पर भारी है। जी हाँ, जब विराट कोहली आउट हुए तो काफी ज्यादा मायूस हुए, क्योंकि यहाँ पर अब कौन खेलता आखिरकार। लेकिन यहाँ पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर जब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आए, जिनका नाम रिंकू सिंह, उन्होंने गेंदबाजों को इस कदर धोया कि वो अपनी लाइफ भर याद रखेंगे, क्योंकि रिंकू सिंह महेंद्र सिंह धोनी की तरह खड़े खड़े छक्के चौके से बात कर रहे थे और यहाँ पर मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। रिंकू सिंह ने तो 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौके जड़ दिए, पहले आते ही यहाँ पर अपने आने का आगाज कर दिया और यहाँ पर सबका दिमाग ही घूम गया। अफगानिस्तान के गेंदबाज भी हैरान थे कि आखिरकार एक कैसा लड़का है जो मैदान पर टिककर छक्के चौके से बात करता है, इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। धीरे धीरे जब 15वें 16वें ओवर तक की बात आई तो यहाँ पर रिंकू सिंह ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और यहाँ पर हिटमैन रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। रोहित शर्मा तो ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और गुस्से में खेल रहे थे, क्योंकि उन्हें लास्ट तक खेलना था और वो कसम खा करके आ गए थे जब तक लास्ट तक नहीं खेलेंगे तब तक मैदान से वापस नहीं जाएंगे। ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह और रोहित शर्मा ने मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गई। इसको देख रहे थे शाहरुख खान, खूब तालियां बजा रहे थे, क्योंकि शाहरुख खान के काफी ज्यादा फेवरेट रिंकू सिंह है। आप सभी को बता दें कि धीरे धीरे बाद जब 16वें 17वें ओवर तक आई तो वहां पर रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी और की और एक एक ओवर में 20-20, 21 रन ठोक डाले, जहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब महज 18वें ओवर में जब 4 ही रन मिल पाए भारतीय टीम को और 19-20 जब 2 ओवर रह गए तो भारतीय टीम को 2 ओवरों में अब जीत के लिए 50 रनों की जरूरत थी, यानी कि हर एक ओवर में 25 रन आए तो भारतीय टीम जीत पाएगी। अब यहां पर मैच पूरी तरीके से फंस चुका था, अब किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि भारतीय टीम में मुकाबला जीत जाएगी, क्योंकि सिर्फ 2 ओवर रह गए यानी कि 12 बोले और 50 रन किस तरीके से आखिरकार बन पाएंगे। लेकिन फिर रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने ऐसी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की जिसको आप लोग खुद लाइव हाईलाइट आंखों से देखिएगा। इस कदर बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाया कि 50 के उस टाइम अगर 80 रन होते तो वो भी ठुक जाते, लेकिन आप लोग देखिए किस तरीके से बनाए हैं, आखिरकार किस तरीके से मुकाबला फंस गया था इन लोगों का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक दिखाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। रिंकू सिंह और जब रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया तो ड्रेसिंग रूम में बैठे विराट कोहली कोच भी खूब तालियां बजाने लगे, क्योंकि यहां पर 2 ओवर में 50 रनों की जरूरत थी, लेकिन 19वें ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़ दिए, जहां पर मैच को पूरी तरीके से रिंकू सिंह ने पलट दिया। यहां पर आप सभी को बता दें कि एक ओवर में 20 रन ठुक गए, लेकिन अब जीत के लिए 30 रनों
रनों की जरूरत थी। आप सभी को बता दें कि एक ओवर में 30 रनों की जरूरत थी, जहां पर हर किसी को लग रहा था कि अब मुकाबला हमारे हाथ से पूरी तरीके से निकल चुका है। यानी कि एक ओवर में 20 रन और अफगानिस्तान का घातक विस्फोटक गेंदबाज सामने गेंदबाजी करने के लिए आया। अब इस मुकाबले को कैसे हम लोग जीत पाते, लेकिन फिर रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने ऐसी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की जिसको देखकर हर कोई चौंक गया। रिंकू सिंह का नाम हर किसी के लफ्ज पे था, क्योंकि हर किसी को पता था कि रिंकू सिंह है ये मुकाबला भारतीय टीम को जिता सकता है। क्योंकि रिंकू सिंह जिस लहर में बल्लेबाजी कर रहे थे, उस लहर में साफ जाहिर हो रहा था कि रिंकू सिंह भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिला सकते हैं। रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने कैसा मैदान पर कहर बरसाया, आखिरी एक ओवर में 30 रन जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यानी कि हर एक बॉल पर छक्के से शुरुआत होती थी। यहां पर जब पहली बॉल डाली अफगानिस्तान के गेंदबाज ने तो रिंकू सिंह ने एक तगड़ा शॉट खेला और सिक्स मार दिया। जहां पर जब दूसरी बॉल डाली तो यहां पर फिर एक तगड़ा छक्का लगाया पीछे की ओर, जहां पर बाउंड्री लेन के बाहर गिरा जा करके यहां पर दो छक्के हो गए, जहां पर अफगानिस्तान के ऊपर दबाव बन गया और गेंदबाज के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर आ गया। जब यहां पर तीसरी बॉल डाली तो उस पर भी तगड़ा शॉट खेला और वो भी छक्का मार दिया। जब चौथी बॉल डाली तो यहां पर फिर छक्का लगा दिया, और जब पांचवीं बॉल डाली तो यहां पर फिर एक शॉट तगड़ा खेला और सिक्स ठोक दिया, जहां पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से जीत लिया। ये T20 का मुकाबला भारतीय टीम ने पहला जीत लिया है, लेकिन इन लोगों के बीच टेस्ट ऐसे ही खेला गया था कि आखिरकार देखते हैं कौन जीतता कौन हारता है। लेकिन जो रियल मुकाबला है वो 11 जनवरी को खेला जाएगा, वो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से हाईलाइट वीडियो मिल जाएंगी देखने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। फिलहाल अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि हमारी भारतीय टीम कोई भी मुकाबला हो, किसी भी देश से हमारी भारतीय टीम जीते, क्योंकि हमारी भारतीय टीम काफी महान है और दिग्गज वेस्ट टीम है। हालांकि वर्ल्ड कप हम नहीं जीते वो कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार भी वर्ल्ड कप जीत कर हम आए और T20 क्या हर एक मैच हम जीतें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।